vector, IL vector cross B. So net force जो लगेगा इस body पे अभी इस तरह के situation में, जो net force लग रहा, that net force is equal to IL cross B. यहाँ पर मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपको दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सो मैं कुछ ऐसे लिख दूं ज्यादा क्लियर होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू यहाँ एक वेक्टर, यहाँ दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो साइन ऑफ थीटा. यहां पर जो थीटा है, देखिए करंट का डायरेक्शन ये होगा, सो थीटा आइडियल जो कि ये वाला डायरेक्शन है जिसका, और बी ये वाला डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का होगा. तो ऑब्वियसली आप ये पाएंगे साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो इस स्पेशल सिचुएशन में ये हो जाएगा आई एल बी. तो हमेशा याद रखें कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें अगर I करंट रहे, उसका लेंथ अगर L हो, वो अगर B मैग्नेटिक फील्ड में रहे और मैग्नेटिक फील्ड इस पे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे नॉर्मल हो, तो फिर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स होता है आई एल बी. अब यहीं से आगे मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं. मान ले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट करंट इज आई, पर इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक ऐसा एंगल बना रहा है. यहां पर जो करंट है उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है. तो इस केस में आपको ये बताना होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. तो वो दोनों हम इस फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं इससे. तो यहां पर हम कहेंगे जो आई एल वेक्टर है जिसका कि डायरेक्शन ये है, उसके साथ जो बी वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, सो ये बी वेक्टर है, उसका जो एंगल है वो एंगल थीटा है. तो यहां से अगर यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कि फोर्स जो होगा, दैट फोर्स जिसे कि हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा आई एल, जो कि पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. सो आई एल, स्मॉल लेटर आई हमने यहां पर कंसीडर किया, तो स्मॉल लेटर आई, यहां भी हमने थोड़ा कैपिटल आई कर दिया था, तो वहां आप इसे समझ जाए कि ये करंट को इंडिकेट कर रहा है, यही वाला करंट था वो. सो आई एल पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो थीटा पे डिपेंड करेगा ये ओवरऑल फोर्स कितना होगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने इसका मैग्नीट्यूड तो देख लिया, इतना होगा मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन क्या होगा, देखिए जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उस सिचुएशन में हम जो डायरेक्शन पता करते हैं, तो कैसे पता करते हैं. सपोज दो वेक्टर्स है, कुछ ऐसे दो वेक्टर्स है, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दो 90 डिग्री में नहीं है, बल्कि एक थीटा एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कि हमें ये वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, दिस वन, ये मान ले पहला वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन अगर पता करना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हमें दाहिने हाथ को कुछ ऐसे रखना होता है, इस तरह से कुछ ऐसे रखना होता है कि ये इंडिकेट करे, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये चार मुड़ी हुई उंगलियां जो है, ये इंडिकेट करे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ. आप कहेंगे दो डायरेक्शन हमें मिलेगा, पहले से दूसरे, ये भी पहला से दूसरा, और ये घूमते हुए भी ये जो डायरेक्शन है ये भी तो पहला से दूसरा ही है, लेकिन यहां पर हम बड़ा वाला एंगल नहीं बल्कि छोटा वाला एंगल को कंसीडर करते हैं. अब आपको अपनी उंगलियों को, मुड़ी हुई उंगलियों को उस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है. तो ये हो गया वो डायरेक्शन. दैट मीन जो यहां डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो डायरेक्शन ये होगा. वैसे ही इस केस में अगर आप देखें, तो इस केस में अगर उसी तरह से आप प्लेस करते हैं, आई एल से होते हुए आप अगर बी की तरफ पढ़ते हैं, तो मैं इसी स्क्रीन के हिसाब से अगर दिखाऊं, कुछ ऐसा है, ये है बी, ये है आई एल. आपको आई एल से बी की तरफ बढ़ना है, तो आई एल ये वाला है, आई एल से बी की तरफ कुछ ऐसे रखेंगे आप राइट हैंड को. इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा. तो यहां से हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं
कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा. सो नॉर्मली आउटवर्ड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली आउटवर्ड्स और नॉर्मली इनवर्ड्स, इसे इतना हमें यूज करना है. मैं यहां पहले तो आउटवर्ड लिख दूं, आउट, इतना हमें यूज करना है कि हमें यहां पर एक कन्वेंशन लेना पड़ता है, एक साइन असाइन करना पड़ता है नॉर्मली इनवर्ड्स और नॉर्मली आउटवर्ड्स के लिए. मैं कभी डिटेल्स में आपसे बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसे कैसे याद रखा जाए. तो मैं यहां पर बता दूं कि अगर डॉट लगा के आप घेरा लगा देते हैं तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मली आउटवर्ड्स को, और वहीं पर अगर आप क्रॉस लगा के घेरा लगा देते हैं तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मली इनवर्ड्स को. तो हमने ये देख लिया, ये फोर्स जो होगा, अगर इस फोर्स को हम उसी कन्वेंशन के हिसाब से, उसी सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट करें, तो यही जो फोर्स होगा, मान लीजिए एफ फोर्स जो है, ये इसका जो सिंबल होगा, इससे जो असाइन करेंगे वो फोर्स कुछ ऐसे असाइन करेंगे, क्योंकि ये आउटवर्ड्स हो रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड्स हो रहा स्क्रीन से. तो इस तरह से हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो उसमें किस तरह का फोर्स अप्लाई होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है.